अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत इस्लामिक टीवी। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जकात के बारे में। जी हां दोस्तों, रमज़ान में जकात देना हर मुसलमान भाई के लिए फ़र्ज होता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में बताते हैं जकात क्या है और कितना जकात देना चाहिए। जकात या अरबी शब्द है, एक इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। शब्दिक अर्थ है शुद्ध या पोषण करना। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों की मदद करना, सामाजिक कल्याण में अमीरों की शामिल करना और योग्य लोगों के लिए निर्वाह के साधन उपलब्ध कराना है। इस्लाम में जिस तरह नमाज पढ़ने पर जोर दिया गया है, ठीक इसी तरह जकात निकालने पर भी सख्त आदेश दिए गए हैं, क्योंकि नमाज के बाद इस पर सबसे ज़्यादा बात की गई है। वो इसलिए कि इसके निकलने से गरीबों की मदद हो जाती है और इसका हुक्म आका अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समय से ही हुआ था, जिसका पालन अब तक किया जा रहा है। इसकी व्याख्या अगर सरल शब्दों में किया जाए तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वैसे मुसलमान जो मालदार है, पैसे से संपन्न है और पूरे साल में जो कमाते हैं और उसके बाद अगर उसके पास पैसे बच जाते हैं तो वो उसका 2.5 अर्थात 215% निकालकर गरीबों, मोहताजों, फकीर मिस्किन को देना होता है। इस्लाम ने इसे इसलिए चालू किया था कि इससे समाज में गरीब लोगों का भी उपकार हो और वो भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारा कर सके। दोस्तों, किस किस चीज़ का आपको जकात निकालना है और कितना निकालना है, आइए सुन ले। किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी अगर हो तो उन पर, उन शख्स पर जो है जकात फर्ज होता है। 7.5 ग्राम तोला यानी कि 93 ग्राम 312 मिलीग्राम और 52.5 तोला यानी कि 653 ग्राम 584 मिलीग्राम। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी के पास थोड़ी सोना और थोड़ी चांदी है जो कि मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बनता है, तो उन पर भी जो है माली के निसाब होता है, यानी कि उन पर भी जकात फ़र्ज होता है। इसके अलावा अगर किसी के पास अपने घर के ज़रूरत के सामान के अलावा किसी के पास कैश 25,000 भी रहता है या फिर 25,000 की कीमत के तौर पर सोना या चांदी होता है, तो उन पर भी है जकात अदा करना फ़र्ज होता है। अब बात है कि कितना देना पड़ेगा, तो सुन ले। अगर आपके पास 25,000 कैश है तो उसका 2.5% निकालने से जो बनता है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 100 रुपया में 2.5 रुपया बनेगा। अब आपके पास जितना भरी सोना या चांदी होगा उनका आज के हिसाब से जो कीमत होगा उससे 2.5% निकाल के जो रकम बनेगा वो आपको जकात के तौर पर अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप इन चीज़ों का जकात अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सभी अच्छी और मजीद दीनी मालूमात वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। अपना और अपना परिवार का ज़रूर ख्याल रखिए। दुआ में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।